बुधवार को सीहोर जिले के आष्टा न्यायालय परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब इंदौर से पेशी पर आए एक बदमाश ने मध्य प्रदेश के आष्टा में वकील पर हथकड़ी से हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार धारा 395 के एक मुस्लिम मलखान सिंह जोसेफ पेशी पर आया था। इस दौरान उसने अपने ही एडवोकेट अर्जुन सिंह सेंधव पर कोर्ट परिसर में ही जो हथकड़ी हाथ में बंधी हुई थी उससे हमला कर दिया, जिससे एडवोकेट सेंधव घायल हो गए। जीना वकील साथी उन्हें तत्काल अस्पताल ले गए, जहां मौजूद डॉक्टरों ने उनका इलाज किया। घटना से आक्रोशित स्थानीय एडवोकेट आष्टा थाने पहुंचे हैं। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, जिसके खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। आक्रोशित वकीलों ने वकीलों पर लगातार बढ़ते हमले को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार से तत्काल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। आज आष्टा न्यायालय में आरोपी मलखान सिंह सनाफ जोसेफ भील है, ये झाबुआ का रहने वाला है, इंदौर जेल से आष्टा कोर्ट में धारा 395 की प्रकरण में पेशी करने आए। आरोपी के द्वारा उनका एक अधिवक्ता है अर्जुन सिंह, जो उसके केस की पैरवी करते हैं। आज पैसे की बात पर से आपस में बात हुई और उस बात पर अब आवेदक का कहना है कि अभियुक्त के द्वारा उसके उधार पैसे मांगे गए थे। उसी बात पर उसने बदतमीजी की और उसने आरोपी ने उसके सिर पर जो हथकड़ी बनी हुई थी वो मांग ली, जिसमें उसको चोट आई है। उनके द्वारा थाने पर एक आवेदन पत्र दिया है, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और विधि अनुसार कार्रवाई की। सर, ऐसी खबर आ रही कि जो आरोपी था उसके साथ जो पुलिसकर्मी आए थे उन्होंने कुछ शिथिलता भी बरती थी, उसको मोबाइल मतलब उसकी जंजीर छोड़ दी थी, तो ये कहना गलत है। ये जो जांच का विषय है, यदि किसी की उसमें किसी प्रकार की लापरवाही शिथिलता होगी तो उस तदनुसार कार्रवाई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।